नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हो जाएगा ना। अगर आप मार्शल आर्ट फैन हैं तो आपने इप मैन मूवी जरूर देखी होगी और शायद आपको पता भी हो मूवी में इप मैन का जो फाइटिंग स्टाइल था वो विंग चौन था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं विंग चौन के बारे में। दोस्तों, विंग चौन बॉक्सिंग, टेक्वांडो, कुंग फू, कराटे जैसे ही एक कॉम्बैट स्टाइल है। और दोस्तों, हिटमैन ही पहले मास्टर थे जिन्होंने सबसे पहले इस स्टाइल को इतने लोगों के बीच पहुंचाया। और शायद आपको पता भी होगा कि ब्रूसली भी हिटमैन के ही डिसाइपल थे। वैसे तो विंग चौन की स्थापना शाओलिन टेंपल में ही हुई थी, जिसको स्थापित करने वाली एक बौद्ध नन थी जिसका नाम एनजी मुई था। दोस्तों, वैसे तो विंग चौन एक सॉफ्ट स्टाइल है, बट क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। साथ ही साथ क्विक पंचेस एंड डिफेंस इसे और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। जहाँ किसी भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को सीखने और समझने में सालों लग जाते हैं, वहीं विंग चौन के प्रिंसिपल थ्योरीज एंड बेसिक स्किल्स को बहुत आसानी से बहुत कम समय में सीखा जा सकता है। बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज की जो विंग चौन को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है सेंटर लाइन थ्योरी। सेंटर लाइन थ्योरी विंग चौन की बहुत ही फेमस थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग विंग चौन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके शरीर के सेंटर लाइन का प्रोटेक्शन करती है और अपोनेंट के सेंटर लाइन पे अटैक। यहाँ पर सेंटर लाइन का मतलब है ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपकी बॉडी के लेफ्ट एंड राइट पोर्शन को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। जैसा कि आप इमेज में देख के समझ ही गए होंगे कि बॉडी के मैक्सिमम वाइटल पॉइंट्स आपके सेंटर में ही होते हैं। दूसरी थ्योरी है इकोनॉमी ऑफ मोशंस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपोनेंट पे किया जाने वाला अटैक को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए, जिससे अपोनेंट को हिट से बचने के लिए कम से कम टाइम मिले। साथ ही साथ विंग चौन के स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप एक ही समय में अटैक एंड डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका अपोनेंट अटैकिंग मोड में होता है तभी आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है उस पर अटैक करने का, क्योंकि उस समय उसकी बॉडी ओपन होती है। ये तो थे विंग चौन की थ्योरी और प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कि लोग क्यों विंग चौन को पसंद करते हैं या उसे सीखते हैं। तो वो रीज़न है, एक तो विंग चौन की सिंप्लिसिटी, दूसरा इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। मेन रीज़न ये भी है कि विंग चौन का एक वीक प्रैक्टिशनर एक स्ट्रॉन्ग फिजिक वाले पर्सन को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विंग चौन के लर्निंग प्रोसेस की। वैसे तो विंग चौन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है सिम निम ताओ, जो कि सबसे बेसिक फॉर्म है जो कि बिगिनर्स के लिए है। दूसरी फॉर्म है चम क्यू, जो कि इंटरमीडिएट लेवल्स के प्रैक्टिशनर के लिए है। थर्ड फॉर्म है बाइजू, जो कि एडवांस लेवल के लिए है। उसके बाद आता है मू क्यान योंग लुक डिम बुन बा जम दाओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप विंग चौन के बारे में और भी जानना चाहते हैं या उनकी फॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।